यूपी सरकार ने रंगों के त्यौहार होली पर प्रदेशवासियों को बसों का तोहफा दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य सड़क परिवहन निगम के 50वें स्वर्णिम वर्ष पर 76 नई राजधानी और 39 साधारण सेवा की बसों को हरी झंडी दिखाई और ऑनलाइन रिजर्वेशन और यात्री फीडबैक एप्लीकेशन यूपी राही ऐप को लॉन्च किया। यूपी रोडवेज और रेलवे को एयर कनेक्टिविटी की तरह ही समृद्ध बनाने के उद्देश्य से सरकार ने यह कदम उठाया है। अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यूपी राही ऐप। यूपी एसआरटीसी ने इस ऐप को लॉन्च किया है। यूपी एसआरटीसी के इस राही ऐप के लॉन्च होने से अब आपको रोडवेज की बसों की टिकटों के लिए इधर उधर लाइन में लगकर धक्का खाने की जरूरत नहीं है। अब यात्री घर बैठे बस में यात्रा के लिए एडवांस टिकट बुक कर यात्रा कर सकते हैं। यह ऐप आपको कैशलेस सुविधा भी प्रदान करेगा। यही नहीं, ऐप पर यात्री अपने सफर से संबंधित समस्याओं को लेकर भी फीडबैक दे सकते हैं। लॉन्चिंग के साथ ही ये ऐप काम करना शुरू कर दिया है। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में यह ऐप मौजूद है। यूपी एसआरटीसी के मुताबिक ऐप डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपको खुद का रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें आपको अपनी आइडेंटिटी के लिए कोई सरकारी डॉक्यूमेंट नंबर, आधार कार्ड या पैन कार्ड की जानकारी देनी होगी। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपका आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा और अब आप ऐप का इस्तेमाल कर सकेंगे। होम पेज पर आपको कहां से कहां की यात्रा करनी है इसकी विंडो ओपन रहेगी। आप यहां से डायरेक्ट टिकट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस ऐप पर अपना प्रोफाइल भी बना सकते हैं। कैंसिलेशन पॉलिसी के बारे में भी इसमें विस्तार से जानकारी दी गई है। किसी तरह की हेल्प के लिए आप सपोर्ट फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लो फ्लोर, एसी बसें, राजधानी, जनरल, स्लीपर, पिंक, शताब्दी, ग्रामीण सेवा समेत सभी कैटेगरी की बसों की इसमें सूचना होगी। आप इस राही ऐप को सुविधा अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देखते रहिए बातें यूपी की।